अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल आइडियाज़। दोस्तों, आज हम पनीर मेकिंग बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको पनीर की तैयारी का तरीका भी बताया जाएगा और इस कारोबार में कितनी बचत है और कैसे हो सकता है, किन इलाकों में ये सूटेबल है, ज़्यादा बेहतर है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, पनीर दूध से हासिल होने वाली इंतहाई लजीज और अफादियत वाली प्रोडक्ट है। मुख्तलिफ जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी और भेड़ से हासिल होने वाले दूध के से जो पनीर हासिल होता है वो जायके और कलर में मुख्तलिफ हो सकता है। इसका इस्तेमाल सदियों से है और वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। इसका इस्तेमाल पिज़्ज़ा, पास्ता, सलाद के साथ साथ बहुत सी डिशों में होता है। पालक पनीर की रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट सबने आजमाई होगी। इसके डिमांड की वजह से रेट इसके काफ़ी हैवी हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं 200 ग्राम का जो पैकिंग है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 500 रुपये में, 400 रुपये में जो है वो अवेलेबल है। ये एक नफा बख्श कारोबार है। पनीर से हासिल होने वाली प्रोडक्ट इसके जायके और बनावट की मुख्तलिफ अकसाम हैं। दोस्तों, 1 किलो दूध से तकरीबन 250 ग्राम पनीर हासिल हो सकता है, जिसकी मार्केट में कीमत जैसे मैंने पहले आपको बताया 400 से 500 रुपये है, और इससे आप बचत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ख़ालिस दूध हमारे मुल्क के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़ालिस दूध जो है वो 60 रुपये किलो भी है, तो सोचें इन इलाकों में अगर ये कारोबार किया जाए तो किससे कैसे नफा बख्श हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से, दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्तों सब्सक्राइब करें यूनिवर्सल आइडियाज़ को ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, चलें आए बात करते हैं कि पनीर जो है वो कैसे तैयार हो सकता है। ये हमने 1 किलो दूध लिया है, इसको अभी गरम करेंगे और जब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच, 1 किलो में तकरीबन 1 या 1.5 चम्मच लेमन जूस डालेंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके रेट दूध के जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हैं, तो आप ख़ुद ही फिर ये डिसीजन ले लें कि किस इलाके में ये कारोबार करना चाहिए। और इसको पनीर को बनाने के बाद आप मुख्तलिफ जो वज़न की पैकिंग है इनको प्रेस करके बना सकते हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स में, बेकरी में जो पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं उनके पास, तो आप अपनी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये इंतहाई नफा बख्श कारोबार है। ये देखें दोस्तों, अभी थोड़ी देर में जब बॉइलिंग पे इसमें लेमन जूस डाला गया है, तो अभी थोड़ी देर में दूध में से पानी अलहदा हो जाएगा और पनीर जो है वो अलहदा हो जाएगा। और फिर पनीर को हम छाननी से या कपड़े से हम अलहदा कर देंगे और हासिल होने वाले पनीर को फिर साफ़ पानी से उसको ठंडा भी किया जाएगा और उसकी वॉशिंग भी की जाएगी और फिर इसको स्टोर कर लिया जाएगा। दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर करने के लिए इसमें स्कॉर्बिक एसिड जो है वो डाला जाता है। वो अगर आपको, आपके पास 1 किलोग्राम पनीर है, तो आप उसमें 15 ग्राम जो है वो स्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी भी कहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। इससे लंबे अरसे के लिए पनीर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। आप दोस्तों ये कारोबार करें, मुख्तलिफ वेट की जो है वो पैकिंग बनाएं, पैकिंग बना के मार्केट में अपना ब्रांड बनाएं। बहुत सी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां ये कारोबार कर रही हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। 1 किलो दूध आपको पता है कि 100 रुपये में, 120 रुपये में अच्छा खालिस दूध जो है वो मिल जाता है, तो 1 किलो से 250 ग्राम जो है वो पनीर हासिल होगा, जिसका ख़र्चा तकरीबन 200 रुपये होगा, और आराम से 400-500 रुपए की वो पैकिंग 250 ग्राम की, 200 ग्राम की सेल हो सकी। ये देखें दोस्तों, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा पनीर जो है वो हासिल हुआ है। इस तरह इसको अलहदा कर लिया जाएगा पानी से। अलहदा करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रखा जाएगा
और 2-3 दफ़ा इसकी वॉशिंग की जाएगी ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा जो पानी है जो दूध से हासिल हुआ है पानी वो अलहदा कर दिया जाए और पनीर को अलहदा कर दिया जाए और फिर इसको फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में हम स्टोर कर सकते हैं। अगर थोड़े अरसे के लिए स्टोर करना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव जैसे कि स्कॉर्बिक एसिड मैंने बताया वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह ये पनीर तैयार करके हम अपने घर के लिए भी रख सकते हैं। इतना महंगा ख़रीदने से बेहतर है कि घर में तैयार कर लिया जाए। और दोस्तों हमारे जैसे डेरा गाज़ी खान, डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों में दूध जो है वो बहुत सस्ता है, तो ऐसे उन इलाकों के जो मेरे दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वो ये काम लाजमी करें, बजाय इसके कि हम अपना जो यानी दूध है वो मल्टीनेशनल कंपनियों को अरजा नरखों में देकर उनको फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये प्रोडक्ट बनाकर वो फ़ायदा हम खुद क्यों ना हासिल करें दोस्तों। हमारा कारोबार भी होगा, बेरोज़गारी से निजात भी हासिल होगी और एक ये शानदार कारोबार है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में अपना कमेंट्स भी दिया करें दोस्तों, इस ताकि मुझे आपके जो राय है उससे रहनुमाई हासिल होगी। तो इस तरह अभी यानी मज़ीद इसको हम प्रेस करके पनीर को मज़ीद जो पानी इसमें है उसको भी रिमूव कर देंगे। ये देखें अभी इसको मज़ीद पानी डाल के इसकी जो उनको धोया जा रहा है पनीर को। दोस्तों अच्छी तरह से इसको तैयार करने के बाद हम पैक भी कर सकते हैं। ये देखें वाइट और बेहतरीन किस्म का पनीर हासिल हुआ है। दोस्तों इसकी गज़ाइत भी बहुत ज़्यादा है पनीर की, इसमें तकरीबन 4% 4 से 15% तक फैट होता है और 20 से 25% तक इसमें प्रोटीन होती हैं। शौक से खाया जाता है।